हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टैंड मैथ टूडे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर द नेम इज प्लेइंग विद नंबर्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस चैप्टर में जो जो चीज़ें आएंगी लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट दैन वील मूव टू द एक्सरसाइजेस सो इसमें इस चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सो वॉट आर फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स ये होते क्या हैं फैक्टर्स सपोज़ कि कोई नंबर है फिफ्टीन अब ये देखेंगे कि फ़िफ्टीन किस किस की टेबल में आता है तो फिफ्टीन हमें पता है कि क्या होता है थ्री फाइव या फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन ठीक है तो अभी जिस जिस के भी टेबल में फिफ्टीन आता है वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं जैसे अगर मैं कहती हूँ वन तो वन इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है ये भी फिफ्टीन हो जाएगा अब टू के टेबल में आएगा नहीं ना थ्री में आएगा लेकिन थ्री इंटू फाइव ये इज इक्वल टू फिफ्टीन और किसी टेबल में आएगा हाँ एक और में आएगा वो अपने ही टेबल में फिफ्टीन इंटू वन इज इक्वल टू ऑल्सो फिफ्टीन तो ये फिफ्टीन किस किस के टेबल में आता है फिफ्टीन आता है एक तो वन के टेबल में आया थ्री के टेबल में आया है फिफ्टीन के अपने टेबल में आया और एक फ़ाइव के टेबल में आया ठीक है वन तो ये रिपीट हो रहा है फिफ्टीन यहाँ रिपीट हो रहा है इसलिए सो so, फिफ्टीन के और इन के टेबल में आता है सो वी कैन से कि फिफ्टीन किस किस के टेबल में फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन हमने क्या निकाले एक तो वन है ये वन कॉमा थ्री ये और ये सारे हैं. अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं ठीक है फाइव वन तो रिपीट हो रहा है तो दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं एंड देन बचा फिफ्टीन तो दो बार लिखने की वजह हम एक ही बार लिख देंगे तो ये हो गए तो ये हमें मिल गए सारे फैक्टर्स किसके फिफ्टीन के ठीक है फैक्टर्स क्लियर हो गए ओके नाउ वी कम टू मल्टीपल्स अभी मल्टीपल्स क्या होते हैं वो देखते हैं ठीक है मल्टीपल्स अभी मल्टीपल्स का वर्ड में ही आ रहा है देखो मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हम कब करते हैं टेबल्स में रिमेंबर टेबल्स मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना तो इसको आप ऐसे याद रखना कि मल्टीपल्स का मतलब मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मतलब कि टेबल करके हमें इसके टेबल में आते हैं ना ये इसका मतलब है कि अगर किसी के मल्टीपल्स निकालने तो वो उसके टेबल में क्या-क्या आता है सपोज 15 अब हम अगर 15 के ही मल्टीपल्स निकालें तो हमें पता है कि 15 किसके टेबल में आगे क्या आता है 15 1 15 जा 30 देन 45 है ना 75 इस तरीके से पूरा एंड सो ऑन हम जाते जा सकते हैं बल्कि अगर हम 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 150 आ गया लेकिन उसके आगे भी तो हम बढ़ सकते हैं न 165 भी आ जाएगा अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे और सपोज कि 15 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 से तो भी तो मल्टीपल मिल जाएगा इसका ट्वेंटी ये ज़ीरो तो पहले ही लगा लेते हैं टू फाइव जै टेन का ज़ीरो कैरी वन टू वन जे टू वन थ्री तो फिफ्टीन ट्वेंटी जै थ्री हंड्रेड हो गया तो ये भी इसका मल्टीपल हो गया मतलब कि टेबल में किसी भी जो भी जिसका भी मल्टीपल चाहिए उसके टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं नाउ इट लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं कि सेवन सपोज सेवन नंबर है तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे सेवन का टेबल आप सबको आता है ना फोटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव एंड सो वन ठीक है ना तो ये इसके मतलब सेवन के मल्टीपल्स हो गए ये फिफ्टीन के मल्टीपल्स थे ईजी इतना क्लियर है ओके okay. नाउ अब ये जो मैंने बताया उसके पॉइंटर्स देखो आप कि वन इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर हर नंबर का फैक्टर वन होता है मतलब वन के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं जैसे ये वन फिफ्टीन जा फिट्टी वन टू ज टू वन थ्री जो थ्री वन का टेबल तो बिल्कुल सिंपल तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर ये चीज बिल्कुल याद रखनी है आपको ये एम सी क्यूज में आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है बच्चे ट्रू फॉल्स में भी आएंगे ये ओके ना सेकेंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ हमने यहाँ देखा तो फिफ्टीन इंटू वन इज फिफ्टीन तो हर नंबर इंटू वन विल बी द सेम सो एवरी नंबर is अ फैक्टर ऑफ इट हर नंबर अपना फैक्टर होता है फिफ्टीन वन जर फिफ्टीन सेवन सेवन अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये होगा ठीक है ये पॉइंट भी देन फैक्टर्स आर लेस देन और फैक्टर्स या तो कम होते हैं या तो जो नंबर दिया है उसके बराबर अब ये देखो ये फैक्टर्स इसके फिफ्टीन के हमने ये फैक्टर्स निकाले थे तो फैक्टर्स वन इससे छोटा है फिफ्टीन से स्मॉल ये भी लेस देन लेस देन अंड ये इक्वल ये वाला फैक्टर इक्वल टू कभी इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि अपने से बड़े नंबर के टेबल में फिफ्टीन आएगा ही नहीं ठीक है तो फैक्टर जो भी आएगा वो या तो नंबर से छोटा होगा या नंबर इस गिवन नंबर के बराबर जिसका हमने फैक्टर निकाला है उसके या तो बराबर होगा या छोटा होगा ये बात भी क्लियर है ठीक है देन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आर फाइनाइट एज एन फिक्स्ड मतलब कि फैक्टर्स फिक्सड होते हैं मतलब कि उतने ही हैं उससे ज़्यादा नहीं होंगे जैसे कि अब ये फिफ्टीन अगर हम लें तो फिफ्टीन के फैक्टर्स कितने वन और थ्री वन थ्री फाइव एंड सेवनटीन यही तो होंगे इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे और सपोज कि आप एक नंबर लेते हो सिक्स सिक्स लिया है आपने तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे सिक्स किस किस के टेबल में जाएगा सिक्स जाएगा थ्री टू जिक्स तो ठीक है तो सिक्स के फैक्टर्स अभी हमने पढ़ा कि वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री ये टू ये थ्री और सिक्स इट सेल्फ और सिक्स तो ये ही है इसके फैक्टर्स दैट इज इट ये फिक्स हो गए सो काउंटेबल है दे आर नॉट इनफाइनाइट दे आर फाइनाइट एंड फिक्स्ड ओके नाउ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं जैसे फिफ्टीन का टेबल हमने टेन तक लिखा फिर हम इलेवन ज़ा भी लिख सकते हैं ट्वेल्थ थर्टीन फोटी ट्वेंटी फिफ्टीन को आपने सपोज़ कि अगर मैंने फिफ्टीन को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिफ्टीन वन थाउजेंड जा भी मैं निकाल सकती हूँ एज इन वन फिफ्टीन एंड देन ये तीन जीरो तो दीज आर इनफाइनाइट किसी भी एनी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन को तो वो इसका मल्टीपल हो जाएगा ठीक ओके ना मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन मल्टीपल्स या तो बराबर होंगे या बड़े होंगे हमने देख ही लिया मल्टीपल्स पहला मल्टीपल ये यहाँ से शुरू हुआ तो या तो एक फिफ्टीन हो गया और ये बड़ा बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, बड़ा है. पर इससे छोटा नहीं है या तो इसके बराबर है या इससे बड़े होंगे मल्टीपल्स तो ये हो गए मल्टीपल्स नाउ आई होप फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्लियर हैं बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे उसके साथ भी हम समझते चलेंगे एंड लेट्स कम टू First exercise.